13 मार्च 2023 क्रिकेट की टॉप 3 खबर आपके सामने। नंबर 3, रविचंद्र अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रचा इतिहास। हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को छोड़ा पीछे, भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। कुहने मेन का विकेट लेने के साथ उन्होंने इस सीरीज में अपने 25 विकेट पूरे किए और वो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के इतिहास में 2 बार करने वाले पहले गेंदबाज बने। नंबर 2, रोहित की कप्तानी में भारत के इस धाकड़ खिलाड़ी का खत्म हो गया करियर, हो सकता है जल्द ले लेंगे सन्यास। टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का T20 और वनडे करियर लगभग खत्म हो गया और अब इस क्रिकेटर के पास सिर्फ सन्यास का ही एक ऑप्शन बचा है। भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी T20 मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, लेकिन अब लग रहा है उनका पूरा करियर खत्म हो गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि वो जल्द संन्यास ले लेंगे। नंबर 1, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के परिणाम से पहले ही भारतीय टीम WTC फाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली। आपको बता दें कि श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टेस्ट को 2 विकेट से जीता है। ऐसे में टीम इंडिया को इससे काफी फायदा मिला और टीम ने बाजी मारते हुए विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में अपनी एंट्री कर ली है। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।